गाड़ियों की पार्क करने को लेकर हुई खूनी संघर्ष में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर ग्रामीणों ने एसपी हमीरपुर से गुहार लगाई है। मारपीट के 15 दिनों के बाद भी आरोपियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने गहरा रोष जताया और ग्रामीणों ने एसपी से गुहार लगाई कि ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधि मंडल में गांव बुरनाड के दर्जनों लोगों ने बताया कि 10 के करीब लोगों ने ग्रामीणों का जीना मुहाल किया है और गांव के सभी लोग परेशानी के दौर में हैं। वहीं एसपी रमन कुमार मीना ने भी ग्रामीणों को 2 दिनों के भीतर आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि 4 नवंबर को रात के समय बुरनाड गांव में इसी गांव के सूरज सिंह के साथ पुरुषोत्तम राम ने गाड़ी को पार्क करने के लिए मारपीट हुई थी, जिसमें दराहट और लाठियों का प्रयोग होने से काफी खूनी संघर्ष हुआ था। इस मारपीट में 4 से 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। मामले को लेकर पुलिस ने केवल मात्र एफआईआर दर्ज करने के बाद कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाने पर ग्रामीणों में गहरा रोष पनपा हुआ है। सूरज सिंह ने बताया कि 15 दिन बीत जाने पर भी आरोपियों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और मारपीट में युवक को काफी चोटें आई हैं। वहीं अब आरोपी लोग फिर से जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। तक कार्रवाई ऐसी हुई कि 15 दिन बीत गए, पुलिस ने इसी बात का रोष है, तभी हम गाँव वासी सभी यहाँ एसपी महोदय से मिले कि इन्होंने क्या कार्रवाई नहीं की। लेकिन हमें आश्वासन मिला एसपी मोदी से कि हम 2 दिन में कार्रवाई करेंगे जरूर। वही अजय कुमार ने बताया कि 2-3 दिनों के बाद भी अगर आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पास गांव बुरनवाड रात के 8 बजे जब मैं दुकान से घर जा रहा था तो उधर मतलब गाड़ी लगा रखी थी उसने पुरुषोत्तम ने, और ये जो सुरम सिंह है इसने हॉर्न बजाया कि गाड़ी हटा लो। पहले तो उन्होंने नहीं हटाई, वे उसके घर में गया और घर में जाने के बाद उसने बोला हम हटा लेंगे। थोड़ी देर के बाद जब वो आए तो उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया और इसका भतीजा भी आया उसको छुड़ाने के लिए और उसके ऊपर उन्होंने डंडों और द्राट से वार किया। जबकि मैं दौड़ा आया तो मैंने उनको छुड़ाया बड़ी मुश्किल से और उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई की हुई थी और उसकी हालत बहुत सीरियस थी। जब हम उसको हॉस्पिटल में लेकर गए तो इन्होंने टांडा रेफर कर दिया कि इसकी हालत तो बहुत नाजुक है, तो उसको तुरंत टांडा पहुंचाया गया। अब उसको 15 दिन के बाद आज छुट्टी हुई है तो उसकी हालत बहुत खतरनाक दौर से गुजर कर वो उसकी जो मैंने देखा वो मतलब हालात उसके बहुत खराब थे और आज तक उसने उन्होंने पुलिस प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और इसके लिए इसका हमें बहुत रोष है। आज हम एसपी साहब से मिले और उन्होंने 2-4 दिन की मोहलत मांगी है कि मेडिकल रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद कार्रवाई होगी, तो इसलिए हम उनको 4 दिन के बाद फिर मिलेंगे। अगर नई कार्रवाई हुई तो दोबारा फिर अगली रणनीति बनाकर। इस मामले पर हमीरपुर एसपी रमन कुमार मीना का कहना है कि बुरनाड गांव के ग्रामीणों को 2 दिन के भीतर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का आश्वासन दिया गया है और डीएसपी हेडक्वार्टर को निर्देश दिए गए हैं कि मामले में गहनता से पड़ताल करें। ये 4 तारीख को एक मामला दर्ज हुआ है जिसमें कि कोई रास्ते में पार्किंग को लेकर कुछ विवाद था और इसी विवाद में एक ही गाँव के लोगों के बीच में मारपीट हुई जिसमें एक व्यक्ति को काफी चोटें आई। पुलिस ने यह मामला 147, 149, 323 IPC में दर्ज कर लिया है। जो फाइनल ओपिनियन है डॉक्टर का, क्योंकि जो पीड़ित है उसे टांडा के लिए रेफर कर दिया गया था, वहाँ से फाइनल ओपिनियन डॉक्टर का लेने के बाद, MLC लेने के बाद में इसमें बाकी जो भी रिलेवेंट सेक्शंस होंगे वो ऐड किए जाएंगे। पुलिस ने जो कार्रवाई है वो FIR दर्ज कर ली। उसके बाद में क्योंकि अभी फाइनल ओपिनियन डॉक्टर का नहीं मिला है MLC, उसके MLC मिलने के बाद में उसमें और क्या सेक्शन ऐड होंगे उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। इसमें SHO को निर्देश दे दिए गए कि वो तुरंत और तेजी से कार्रवाई करें, साथ ही DSP हेडक्वार्टर रेणु शर्मा इस मामले की खुद मॉनिटर करेंगे इसे।